छात्र शिवम की मसूरी के दूनसबिर्ग कोर्ट होटल में हत्या कर दी गई। वो दिल्ली के द्वारका से एटीएस स्कूल की ओर से टूर पर गया था। तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 307 में तीन और बच्चों के साथ ठहरे शिवम को रात 1 बजे सोता देखा गया था, लेकिन सुबह के 5 बजे चौकीदार ने उसे नीचे गिरा पाया। हाँ, प्रथम दृष्टया तो हमने भी माना है, इसलिए इसमें मुकदमा कायम किया गया। बात तफ्तीश जो भी रिजल्ट होगा वो आयोग द्वारा उसमें जांच की जा रही है। इस टूर पर स्कूल के कुल 108 बच्चे गए थे और 2 दर्जन टीचर के साथ स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन मासूम शिवम को तीसरी मंजिल से कब और किसने धक्का देकर नीचे गिरा दिया, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। अब कब पता चला कि वो रूम में नहीं है? सुबह। शुरू में स्कूल ने इसे महज एक हादसा बताया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि ये हादसा नहीं हत्या है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मसूरी से अभिषेक सिन्हा के साथ अनिल बालन और शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। पांचवी में पढ़ने वाले शिवम सोनी के कत्ल से दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का एटीएल स्कूल सवालों में। सवाल ये कि अगर स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा कर पाने में नाकाम था तो 180 बच्चों को एक साथ 5 दिनों के लंबे टूर पर क्यों ले जाया गया। सवाल ये भी है कि शिवम के कत्ल के वक्त स्टाफ कहाँ था। इन सवालों का स्कूल के पास कोई जवाब नहीं और हत्या को हादसा बताकर लीपापोती में जुटा है। आप 9 साल के बच्चे हैं मैम, आप लोगों ने भी उनके इंटरव्यू लिए हैं, वहाँ पर आप लोगों के रिपोर्टर्स थे, उनके रूम में ही बैठकर और वहाँ पर लिया है, मतलब 9 साल के बच्चों की क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है। शिवम के पिता का कहना है कि कुछ समय पहले उसका कुछ छात्रों से झगड़ा भी हुआ था। 5 तारीख को ना मेरे को स्कूल में बुलाया गया था और ये कहा था कि ना भाई जिस तरह से ना इसका ना किसी ना बच्चे से ना फाइट हो रही है, उनका अपना एक ग्रुप है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हत्यारे की तलाश, क्योंकि रात के 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कातिल ने कैसे हत्या को अंजाम दिया, इसका कोई सुराग नजर नहीं आ रहा। मसूरी से अभिषेक सिन्हा के साथ अनिल बालन और शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। मुजफ्फरनगर के मर्डर मिस्ट्री में पुलिस अपनी गलतियों का ठीकरा अब दूसरों पर मारने में जुटी है। जिस लड़के के साथ लड़की भागी थी उसके खिलाफ अपहरण का आरोप लगा है और लड़के के पिता पर गलत शिनाख्त करने का। दरअसल अजीत और अंशु जब गायब हुए थे तो मान लिया गया था कि उनका कत्ल हो गया है। पुलिस के सामने अंशु के भाई ने एक बाले जुर्म भी कर लिया था। पुलिस ने भी बिना तहकीकात किए केस को खत्म मान लिया, पर इस केस में पेच दबाया जब अंशु और अजीत जिंदा थाने में हाजिर हो गए। इसके बाद पुलिस ने लड़की के भाई को तो रिहा कर दिया, पर प्रेमी अजीत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अंशु अभी नाबालिग है और ऐसे में अजीत के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसला कर अगवा करने का आरोप लगा है। अजीत के पिता पर भी गलत शिनाख्त पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगा है। नितिन जैन, मुजफ्फरनगर आज तक। निरुपमा की मौत का मामला जांच बढ़ने के साथ साथ उलझता जा रहा है। निरुपमा की मौत हत्या थी या खुदकुशी, ये सवाल और गहराता जा रहा है। झारखंड पुलिस एक साथ 2 मोर्चों पर जांच में जुटी है। उधर निरुपमा की मौत में घर वालों की भूमिका की जांच हो रही है और इधर एक टीम प्रिया भांशु से दिल्ली में पूछताछ कर रही है, लेकिन जांच किसी ठोस नतीजे की तरफ बढ़ती नहीं दिखाई दे रही। अब प्रिया भांशु के वकील मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। ये लड़ाई प्रियांशु को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई निरुपमा को न्याय दिलाने की लड़ाई है। निरुपमा की न्याय के लिए अगर सीबीआई आगे आती है तो मैं सीबीआई का स्वागत करूंगा। उधर निरुपमा के घर वाले भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। निरुपमा के पिता का आरोप है कि उन्होंने प्रियांशु के पिता से कई बार बात की, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। मनगढ़ंत बात है, हम लोगों ने निरुपमा को बंद करने का, अभी जब तक 23 साल की थी जो है हम लोगों ने कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा उसको जो है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई पेज सामने आ रहे हैं। कोडरमा से रोहित सिंह के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। जींद में हर शख्स के चेहरे पर खौफ है, क्योंकि यहां एक साथ हुए हैं 3 खून। सीमा और तमन्ना नाम की 2 बहनें रात के वक्त अपनी बुआ मुकेश के साथ छत पर सो रही थी। सुबह सबकी लाश मिली। तीनों के गले पर तेज धार हथियार के निशान थे। घर वालों का आरोप है कि इस ट्रिपल मर्डर में पुलिस वाले भी शामिल है। फिर आदमी छोड़ दिया जाए खुला, क्या कसूर है? प्रशासन का किसका है? गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने इसी गांव के 3 लोगों पर बलात्कार, लूट और हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का इसमें कोई फंक्शन है, उनको अरेस्ट किया जाएगा। हत्यारों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और बिना एक भी सबूत छोड़े चलते बने। पुलिस इस मामले को जल्दी सुलझाने का दावा कर रही है,
लेकिन सबूत के नाम पर उसके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र मौर्य, जींद, आज तक।